शांत बहुत रहता है और व्यवस्था भी अच्छा है पढ़ने के लिए, मतलब सबसे बेस्ट लाइब्रेरी हमको अभी लग रहा है ये। एक दो नहीं, यहाँ पर अनगिनत एसियाँ लगा दी गई है। इसमें रोशन सर बहुत ही बेहतरीन सुविधा प्रदान किए हैं कि बुक सेल्फ का व्यवस्था है, जितने भी पब्लिकेशन के बुक हैं इस लाइब्रेरी के अंदर पूरे रख दिए गए हैं। हाँ, लाइब्रेरी बहुत सारा पटना में ज्वाइन किया था, लेकिन ऐसा व्यवस्था कहीं नहीं था पूरे पटना में। और MTS लेवल से लेकर UPSC लेवल तक के सारे बुक देखने को मिल जाएंगे। हम तो यहाँ पे फिलहाल फ्री में हमको दिया गया है। हाँ, 1 मंथ के लिए एक्सेस फ्री है। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश सत्यार्थी और ऑन ड्यूटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पूरे पटना के अंदर बहुत सारे लाइब्रेरी है, लेकिन पहली बार आज आपको हम एक हाईटेक लाइब्रेरी की टूर करवाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं अभी ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के एक लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है, जो कि पूरी तरह से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। और इस लाइब्रेरी में बहुत सारा यूनिक चीज़ लगा हुआ है, उस सभी चीज़ों को हम अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए आज हम आपको पूरी लाइब्रेरी की टूर करवाते हैं और दिखाते हैं कि दूसरे लाइब्रेरी से यहाँ पर क्या अलग है, जो इस लाइब्रेरी को एक स्पेशल कैटेगरी में रखती है। तो चलिए पूरी लाइब्रेरी के भी टूर करते हैं। ओ माय गॉड, इट्स ह्यूज। इतनी बड़ी लाइब्रेरी आपने बहुत कम देखा होगा पूरे पटना के अंदर। आप एक बार पूरे लाइब्रेरी का ओवरव्यू दिखाएं, किस प्रकार से एक बड़े लाइब्रेरी का निर्माण यहाँ पर रोशनानंद सर और बिट्टू झा सर के निर्देशन में किया गया है। छात्रों से भी बातें करेंगे और जानेंगे कि क्या स्पेशल है इस लाइब्रेरी में। लेकिन फिलहाल एक चीज़ जो हमें अट्रैक्ट कर रही है, पहली बार लाइब्रेरी के अंदर इतने सारे बुक्स के वैरायटी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अभी हम छात्रों से बात करने से पहले इस बात के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है कि कौन कौन से बुक लाइब्रेरी के अंदर रखे गए। आते ही सबसे पहला जो आपका नज़र पड़ेगा, आप यहाँ पर देखिए, ल्यूसेंट, जनरल कम्पिटिटिव एग्जाम की आत्मा जिसे कही जाती है। बहुत सारी किताब ल्यूसेंट 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 ल्यूसेंट, सारी हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और इंग्लिश मीडियम के लिए भी यहाँ पर रखे हुए हैं। ल्यूसेंट की सारी फिजिक्स केमिस्ट्री भी रखी हुई, बायो भी रखी हुई है, और इसके बाद ल्यूसेंट की सारी बुक और ये एकेडमिक बुक भी रखी हुई है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये क्राउन की सारी बुक लगी हुई है, और इसके आगे बढ़ते हैं तो कुछ मोटिवेशनल बुक भी रखा हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर आप जब देखेंगे तो नर्सिंग के लिए बुक रखी हुई, कैट के लिए बुक रखी हुई, CDS के लिए बुक रखी हुई है। सारे जितने भी प्रकाशन के, जितने भी पब्लिकेशन के बुक हैं इस लाइब्रेरी के अंदर पूरे रख दिए गए हैं। आज ये और देखते हैं, यहाँ पर NCERT का सेक्शन है। NCERT का सेक्शन 6ठी क्लास से लेकर 12वीं कक्षा तक के सारे NCERT मिलेंगे आपको। और बहुत सारे छात्र भी अगर होंगे NCERT को अध्ययन करने वाले तो उन्हें भी मिल जाएगा, क्योंकि बुक इतनी ज़्यादा यहाँ पर रखी हुई है कि सभी को मिल सकता है। इसके बाद जब जैसे ही आगे आएंगे आप तो एकेडमिक एग्जाम के लिए भी रखा हुआ कुछ घटना चक्र की बुक रखी हुई है। और इस लाइन में जितनी भी बुक है ये सारी की सारी बुक इंग्लिश मीडियम की रखी हुई है। SSC कैटेगरी के लिए कुछ बुक भी है, ब्लैक बुक रखा हुआ है, इसके बाद रेलवे का मैथ रखा हुआ है, SSC का क्वेश्चन बैंक रखा हुआ है, उसके बाद कुछ जनरल स्टडीज़ के बुक रखे हुए हैं, और इसके बाद देखिए आप अकाउंटेंसी के बुक हैं यानी कॉमर्स के बुक हैं, और बहुत सारी बुक आप देख सकते हैं, दिनेश बायोलॉजी यानी कि 12वीं के बुक रखे हुए हैं, इधर भी सारे बुक रखे हुए, जितने भी पब्लिकेशन के एकेडमिक एग्जाम के लिए 12वीं या 11वीं के लिए सारे बुक रखे हुए। आ जाइए इस साइड, देखते हैं अब क्या स्पेशल है। तो जैसे ही आप इस साइड आते हैं तो आपको एक और चीज़ दिखाई देता है। इधर तो आपको हमने दिखाया है कि आपको यहाँ पर MTS लेवल से लेकर UPSC लेवल तक के सारे बुक देखने को मिल जाएंगे। GS सेक्शन के लिए सारे बुक इस लाइब्रेरी में उपलब्ध करा दिए गए। आप कोई भी बुक लेकर पढ़ सकते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर आइए, बुक ले जाइए और यहाँ पर अध्ययन करिए लाइब्रेरी में, उसके बाद फिर यहाँ पर बुक जमा करिए। कॉस्मोस की बुक रखी हुई है सारी, जितनी भी है, ज्योग्राफी की, इंग्लिश, हिंदी, इंडियन इकोनॉमी रखा हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री रखा हुआ है, बहुत सारे राइटर की बुक रखी हुई है। इसके बाद ये सारी बुक दृष्टि की, और दृष्टि की बुक रखी गई है, दृष्टि का अध्ययन सामग्री भी रखा गया है। और इसके बाद जो ये सेक्शन आप देख रहे हैं ये एक अलग ही सेक्शन, ये इंजीनियरिंग वाला सेक्शन है, जिसमें कि आप यूथ कंपटीशन की बुक देख रहे हैं, RRB की बुक देख रहे हैं, फिटर ट्रेड की बुक देख रहे हैं, जब रेलवे का एग्ज़ाम आएगा तो इसका काम हो जाएगा। और उसके बाद टेक्नीशियन के लिए देखिए, UPPCL वाले टेक्नीशियन के लिए, तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग वाली बुक भी सारी इसमें रखी हुई है। टेक्निकल डिग्री जो लेकर आए यहाँ पर पढ़ाई करेंगे उसकी भी। और इधर आ जाते हैं, जैसे ही इधर आएंगे तो आप देखिएगा घटना चक्र की सारी बुक रखी हुई है, और घटना चक्र की सारी सभी सब्जेक्ट की रखी हुई है।
उसके बाद जैसे ही हम इधर आते हैं, ये दृष्टि की सारी क्विक बुक सीरीज रखी हुई है जो यहाँ से लेकर पूरे लाइब्रेरी में वितरण करने के लिए एक एक छात्र को देने के लिए पर्याप्त है। तो ये कुछ इस टाइप का हाई टेक व्यवस्था किया गया है ज्ञान बिंदु के लाइब्रेरी में, जो कि आपको दूसरे लाइब्रेरी में बहुत कम देखने को मिलेगा। ये अंदर में क्या माहौल है और इसमें क्या स्पेशल इसे दिया गया है, सबसे पहले जब आप देखेंगे पहले नंबर सीट से, तो आपको पहले नंबर सीट से लेकर कुछ 85 के अराउंड गर्ल्स का सीट दिया हुआ है। अभी बहुत कम गर्ल्स है क्योंकि आज ये ओपनिंग हुई है लाइब्रेरी की। इस रॉ में जितनी भी सीटें हैं सारी की सारी गर्ल्स के लिए रिजर्व है, और उसके बाद दूसरे रॉ में भी आधी सीट गर्ल्स के लिए रिजर्व है। मैंने कहा कि 85 के अराउंड सीट रिजर्व है गर्ल्स के लिए। कुछ बहनें हमारी यहाँ पर स्टडी कर रही है। हेलो मैम। हेलो हेलो, क्या नाम है आपका? गुड़िया मेहता। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सीटेट। कब से आ रही है इस लाइब्रेरी? ये ओपन हुआ है पाँच रोज से। तो जब से इस लाइब्रेरी में आप आ रही हैं, कैसा लग रहा है? इस लाइब्रेरी का माहौल कैसा है और इस लाइब्रेरी में आपको फैसिलिटी कैसी? बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरे लाइब्रेरी में आप कभी गए थे? नहीं, हम गए थे लेकिन पटना में हम थोड़ा दिन पहले ही शिफ्ट हुए, लेकिन हमको सबसे अच्छा लगा। दो तीन लाइब्रेरी गए थे लेकिन सबसे अच्छा हमको यही लाइब्रेरी लगा। मतलब शांत बहुत रहता है और व्यवस्था भी अच्छा है पढ़ने के लिए। मतलब सबसे बेस्ट लाइब्रेरी हमको अभी लग रहा है ये। अच्छा, इतनी सारी जो एसी यहाँ लगाई हुई है, तो हवा लगता है एसी का या फिर पंखा की आवाज़? लगता है, अच्छा लगता है। पूरे कूल रहते हैं यहाँ पर? पूरे कूल, सबसे मतलब बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। चलिए, ऑल द बेस्ट। हमने एसी की बात की यहाँ पर, आपको दिखाए दूसरे लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे तो आपको छोटी छोटी एसियाँ देखने को मिलेगी, लेकिन आप जैसे ही इस लाइब्रेरी में आएंगे तो आपको ये देखिए ये क्या चीज़ है, पूरा इतना बड़ा एसी लगवा दिया है सर ने। और आप देखिए किस प्रकार से वहाँ से कनेक्ट है एसी पूरी तरह से। यहाँ पर एयर का सस्पेंशन होता है और एक दो नहीं, यहाँ पर अनगिनत एसियाँ लगा दी गई है पूरी तरह से। यहाँ पर कूलिंग सिस्टम को बरकरार रखने की कोशिश की है। पूरे लाइब्रेरी के अंदर लगभग 250 से 250 सीट है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी अगर आज इस लाइब्रेरी की ओपनिंग हुई है, फुल हो गई है, कुछ तो विशेषताएँ होगी। आइए एक दो छात्रों से और बातें कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे लास्ट में बैठी हुई है। हेलो हेलो, क्या नाम है आपका? प्रीति कुमारी। कहाँ से है? सहरसा से। सहरसा से। किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। कैसा लग रहा है इस लाइब्रेरी का माहौल आपको? अच्छा लग रहा है। दूसरी लाइब्रेरी जाती थी आप पहले? नहीं, नहीं जाती। पहली बार आप यहाँ पर ज्वाइन की? कब से रह रही हैं पटना में? 7 महीने से। 7 महीने से पहली बार आप लाइब्रेरी आए हैं, कैसा लग रहा है माहौल? अच्छा लग रहा है, शांत लग रहा है। इस लाइब्रेरी की क्या स्पेशल चीज़ देखकर आप आई हैं यहाँ पर पहले दिन? आज शांत लग रहा है, बुक अवेलेबल है, फिर सर आते हैं कभी कभी गाइड करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस लाइब्रेरी आ रही तो आपके दिमाग में एक चीज़ आया था कि यहाँ पर बुक सारी अवेलेबल हो जाएंगी तो हमें बहुत ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद विद्यार्थी में होता है क्या, बुक लाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर हम सोचते हैं कि 7-8 घंटे के लिए लाइब्रेरी जा रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा बुक ले जाना पड़ता है। अगर लाइब्रेरी में बुक उपलब्ध है तो हम बुक कम ले जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर पाएंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट। आइए यहाँ पर एक और मैम है। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? प्रदर्शनी। कहाँ से हैं आप? बेगूसराय से। किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? SI। SI की तैयारी कब से कर रहे हैं? तो 17-17 पोस्ट से ही कर रहे हैं। 17-17 से कर रहे हैं। तो अभी तक कहाँ तक पहुँचे आप? मेंस तक, मेंस से आगे मेरिट में इस बार 2213 में नहीं हो पाया। अच्छा, मेरिट आउट। हर बार निकला एग्जाम लेकिन कभी कुछ ना कुछ, कभी फिजिकल कभी मेन। तो आप इतने दिनों से रह रही है, 1717 की वैकेंसी तो बहुत दिन पहले आई थी, तो बहुत सारी लाइब्रेरी आप ज्वाइन की होगी या फिर पटना में नहीं हुआ? नहीं नहीं, लाइब्रेरी तो एक बार ज्वाइन किए थे एक मंथ के लिए, उस बार उसके बाद कोरोना आ गया था। तो दूसरे लाइब्रेरी आप गई होगी डेमो के लिए या फिर देखा होगा, और उसके बाद यहाँ पर आई आप, तो दूसरे लाइब्रेरी से क्या लगता है कि आपको यहाँ पर क्या डिफरेंट? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ गाइडेंस के लिए सर रहेंगे, ये यहाँ का बेनिफिट है, रोशन सर खुद रहेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं पहली बार जो आप लाइब्रेरी में एक तरह की फैसिलिटी देख रहे हो, बहुत सारा बुक उपलब्ध कराया गया है यहाँ जो बुक का जो है फर्स्ट टाइम देखा गया है पटना में, जहाँ तक हमको लगता है फर्स्ट टाइम ऐसा है। क्या लगता है इससे बेनिफिट मिलने वाले? बहुत बहुत बेनिफिट होगा, बहुत सारे बच्चे हैं जो बुक्स नहीं ले पाएंगे वो यहाँ से बुक को लेके पढ़ सकते हैं। बहुत ऐसे बुक्स होंगे जो यहाँ पे नए नए बुक्स देखने को मिलेंगे।
बहुत सारे बुक ऐसे हैं जो बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, तो यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो बुक। ऑल द बेस्ट एंड दुआ करते हैं कि आप अगली जो वैकेंसी आए उसमें आपके कंधों पर डबल स्टार। हम तो यहाँ पे फिलहाल फ्री में हमको दिया गया है, हाँ 1 मंथ के लिए एक्सेस फ्री है हमको। टॉपर आई थी क्लास में? नहीं नहीं, जो ये अभी जो आया था ना, अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 16 जुलाई को ESI का, अच्छा उसी में मेरा PT हुआ था, तो उसी के लिए PT हो चुका है। हाँ, तो अभी तो फिर से एग्ज़ाम है, 1 मंथ हुआ, तो सर हम लोगों को जिस बच्चे का हुआ है सबको फ्री एक्सेस दिए। PT के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं, मेरा आप वीडियो देखिए, बहुत सारी चीज़ें PT वालों को दिया जाएगा। हाँ हाँ, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आइए एक दो छात्रों से और बातें कर लेते और जान लेते। हेलो भाई साहब, क्या नाम है आपका? मिथुन कुमार। कहाँ से हैं आप? हम सीतामढ़ी से। आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? पहले तो आप ये बताएं, आप बिहार SI का कर रहे हैं? BRSI की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस लाइब्रेरी में आने से पहले आप किसी और लाइब्रेरी को ज्वाइन किए थे? जी जी, किए थे। अच्छा, किए थे। उस लाइब्रेरी में और इस लाइब्रेरी में आपको फ़र्क क्या नज़र आया? पहली बात तो बहुत फ़र्क है, यहाँ पे बुक भी अवेलेबल है और यहाँ पे AC वगैरह भी अच्छा से काम करता है, और पहली बार डिसिप्लिन यहाँ पे बहुत अभी तक अच्छा है, और सर का गाइडेंस में ही है, हम सर के बैच में ही पढ़ते हैं 10 से 12 में, यही सब चीज़। ओवरऑल अभी तक 1-2 दिन लाइब्रेरी को ओपन हुआ हुआ है, तो कैसा माहौल लग रहा है? अभी माहौल अच्छा है, आज ही उद्घाटन हुआ है इसका, तो अभी तक माहौल अच्छा है, होप आगे भी अच्छे होंगे, और सर इसमें अपने हिसाब से ही देख रहे हैं, तो हमको एहसास है कि अच्छा ही होगा। ऑल द बेस्ट, और हम दुआ करते हैं कि अगली बार जब आपसे मिले तो आपके कंधे पर डबल स्टार और हम आपका इंटरव्यू लेते हैं। थैंक यू सर। चलिए आ जाइए और कुछ छात्रों से बातें कर लेते हैं। कुछ छात्र यहाँ पर इंक्वायरी के लिए भी आए हुए, इंक्वायरी के लिए आए हुए हैं? इंक्वायरी के लिए आए हैं। अच्छा, ये तो लाइब्रेरी का माहौल देखने आए, आ जाइए एक दो और छात्रों से बातें कर लेते हैं। इतनी बड़ी लाइब्रेरी में सभी से बात करना मुमकिन नहीं है, तो आ जाइए एक दो और छात्रों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? रोशन कुमार। कहाँ से आप? नवादा जिला। क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बिहार दरोगा का। अच्छा, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, इससे पहले कोई लाइब्रेरी ज्वाइन किए थे? हाँ, लाइब्रेरी बहुत सारा पटना में ज्वाइन किया था, लेकिन ऐसा व्यवस्था कहीं नहीं था पूरे पटना में, जितना व्यवस्था यहाँ दिया गया हर चीज़ का। क्या क्या स्पेशल किया? जैसे बुक का, पूरा बुक का जितना भी मतलब जनरल कंपटीशन का तैयारी करने वाला जितना भी सारा बुक है पूरा अवेलेबल है, और पानी AC पूरा मतलब फुल्ली AC रहता है, हर एक चीज़ का पानी ठंडा हो व्यवस्था, बड़ा बड़ा चौड़ाई का मतलब एरिया जो है मतलब ज़्यादा स्पेस दिया गया है, कुर्सी आरामदायक है, बहुत मतलब व्यवस्था अच्छा व्यवस्था है यहाँ पर। चलिए, ओवरऑल आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट। आइए कोशिश करते हैं हम कि लास्ट में जो छात्र बैठे हुए उस एक दो छात्रों से बात किया जाए, आ जाइए। क्या नाम है आपका? चंदन। चंदन कहाँ से है? चंदन कुमार, मैं बेगूसराय से हूँ। अच्छा, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? मैं यहाँ पे अभी सर के यहाँ फाउंडेशन बैच 5 से 7 जो है वो कर रहा हूँ, और ऑनलाइन मेरे पास दरोगा थर्ड बैच है, दरोगा थर्ड बैच भी कर रहा हूँ। आप इस लाइब्रेरी में आ रहे हैं और दूसरे लाइब्रेरी से इस लाइब्रेरी की जो चीज़ें हैं क्या अलग बनाती है इस लाइब्रेरी? पहले तो मैं बता दूँ कि मैं इस संस्थान का मेम्बर हूँ, और इस लाइब्रेरी में संस्थान से हट करके बात करें एक स्टूडेंट के नाते, तो इसमें रोशन सर बहुत ही बेहतरीन सुविधा प्रदान किए हैं कि बुक सेल्फ का व्यवस्था है, GS का जितना भी बुक खोजिएगा, चाहे M लक्ष्मीकांत हो, स्पेक्ट्रम हो, विपिन चंद्रा हो, महेश बर्नवाल और जो भी वगैरह जो भी बुक खोजिएगा यहाँ पे आपको फ्री में उपलब्ध है, और वो लेके आप पढ़ सकते हैं। हाँ, अभी आपको बुक से कुछ हेल्प मिल रहा है जो वहाँ पर बुक रखी हुई, या फिर सिर्फ नाम की रखी हुई? नहीं नहीं, नाम की तो नहीं कर सकते हैं। देखिए, अभी मैं फ़िलहाल अपना टाइपिंग कर रहा हूँ, मेरा जो वर्क है यहाँ संस्थान में वो कर रहा हूँ, तो जो मेरे पास बुक नहीं है वो मैं संस्थान के बुक सेल्फ से बुक लेकर के उससे जो भी नोट तैयार होता है या जो मेरे लिए है लाभदायक उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो वो कहा जा सकता है कि उसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फ़ायदा मिल रहा है। चलिए, धन्यवाद। तो यहाँ पर आपने छात्रों का रिव्यू देखा और पूरे अपने लाइब्रेरी का ओवरव्यू देखा, इसके बाद देखा कि यहाँ पर क्या स्पेशल है। यहाँ पर बहुत सारी स्पेशल चीज़ें हैं, और जो सबसे स्पेशल है वो पटना के अंदर जो पहली बार लेकर आई है ज्ञान बिंदु GS अकेडमी, वो लेकर आई है कि लाइब्रेरी की फैसिलिटी दी गई, बहुत सारे किताब, एक बल्क मात्रा में किताब यहाँ पर रखा गया है, जिससे छात्रों को और छात्रों के कंधे पर जो एक बड़ा बोझ होता है किताब लाने का और बहुत सारी बुक खरीदने का, वो कहीं ना कहीं अब दूर हो जाएगा।